महापौर राजकिशोर प्रसाद निगम के वार्ड 53 नदियाखार बस्ती पहुंचे, अतिवर्षा से प्रभावित बस्ती के लोगों से मिले, उनकी समस्याओं का जायजा लिया। जिन व्यक्तियों के मकान पानी में डूब गए हैं, उनके रहने व भोजन आदि की व्यवस्था तत्काल किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही अतिवर्षा से साग सब्जी आदि फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। नगर पालिक निगम कोरबा के दर्री जोनांतर्गत नदियाखार बस्ती में विगत 2-3 दिनों में हुई बारिश से कुछ बस्ती वासियों के मकान को नुकसान पहुंचा है। उनके मकानों में पानी भर गया, जिससे उनके रहने खाने की समस्या उत्पन्न हुई। इसकी जानकारी प्राप्त होते ही निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने जोन के अधिकारियों के साथ बस्ती का दौरा किया, बस्ती वासियों से मुलाकात की। नदी के किनारे बसे हुए जिन लोगों के मकान पानी में डूब गए हैं, उनसे चर्चा कर उनकी समस्याओं को जाना। महापौर ने बस्ती में स्थित प्राथमिक शाला एवं सामुदायिक भवन में इन प्रभावित परिवारों के ठहरने की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्हें खाद्य सामग्री तत्काल उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने बस्ती वासियों को आश्वस्त किया कि वे किसी प्रकार की चिंता न करें, हम उनके साथ हैं, उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। दौरे के दौरान जोन कमिश्नर एक शर्मा, सहायक अभियंता योगेश राठौर, पूर्व पार्षद रमेश नवरंग, भोला यादव, मनहरण विनय लहरे, सुरेश पटेल, पार्षद पति बालीराम साहू, नाथू पटेल, बुधराम पटेल सहित अन्य बस्तीवासी उपस्थित थे। आज ये वार्ड क्रमांक 53 नदिया खाड़ में यहाँ के लोगों से तरफ से शिकायत मिली थी, जानकारी मिली थी कि नदी में पानी बढ़ने की वजह से उनके घर डूब गए हैं, तो उनको आश्रय के लिए व्यवस्था चाहिए। इस बात की जानकारी जब मिली थी तो उसका निरीक्षण करने के लिए आज हम यहाँ जोन के जो जोन कमिश्नर बच्चन शर्मा जी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बाढ़ में देखे हैं। तो देखा है बारिश की वजह से, और ये वेनीकट बना हुआ है, तो वेनीकट का डुबान से तो निचले क्षेत्र में घुसा है, लेकिन डैम से पानी ज़्यादा छुड़ा हुआ था रात को बताए, तो जो सब्जी वगैरह लगाए हैं वो भी उसमें पानी में काफ़ी बह गया है, लेकिन वहाँ उनके जो झोपड़ी वगैरह बनाए थे तो वो भी पानी से जलमग्न हो चुका है। तो उसको अभी देख के गए हैं, अभी फिलहाल उनको रोड के किनारे जो स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल है वहाँ पर रहने के लिए अभी निर्देश दे करके जा रहे हैं। और इन्हें भी हमने बताया है कि आप लोग नदी तरफ ज़्यादा मत जाएं, अभी पानी का मौसम चल रहा है, बारिश होने से डैम कभी भी पानी छोड़ सकता है, इसलिए सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को देख रहे हैं, और जो भी जहाँ पर उनके अभी अस्थायी जो आश्रय के रूप में अभी कहीं रुके हुए थे, वहाँ भी जंगल झाड़ी था, तो उसके बजाय उन्होंने मांग किया कि जो स्कूल में थोड़ा जगह भी ठीक है और बरंडा वगैरह ठीक है, सूखा जगह है, तो हमने अभी वहाँ रहने के लिए वहाँ साफ सफाई करके वहीं उनको आश्रय देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। अभी घर भी टूट गए, हम उनके कदवा 8-10-20 घर होते, और पूरा सब्जी मूँगफली हर आइटम के सब्जी लगे हैं, कदवा खाओ नुकसानी है, कदवा भी लगाए भी हम, कदवा लगे भी है, वो सब नुकसान हुआ है, जैसे कुछ कुछ दान राशि दे के है तो कोशिश कर सहयोग राशि जो भी टूटे फूटे है तेकर कदवा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।